The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। तो दोस्तों, फीमेल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स, एंड प्रॉब्लम इन द सेंस कई बार ये पीरियड्स एक गलत दिन आ जाते हैं, गलत टाइमिंग हो सकती है, एंड आपको लगता है कि काश कोई तरीका हो जिससे कि हम पीरियड्स को अल्टर कर सकें, पीरियड्स को चेंज कर सकें। तो इसीलिए फिर आप ऐसे मेथड्स के लिए रिसर्च करते हैं, सोचते हैं कि कोई तरीका हो जिससे कि पीरियड्स का जो टाइमिंग है उसको हम अल्टर कर सकें। तो वो फिर आप पीरियड अल्टरिंग मेडिकेशंस लेने का सोचते हैं, जिससे कि आप प्री पीरियड्स को या तो प्रीपोन, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था पहले कि किसी की शादी आ रही है बीच में, तो वो चाह रहे कि पीरियड्स जो है शादी के बीच में ना आए, या तो पहले आ जाएं या बाद में आ जाएं। पहले आ जाएं तो फिर दवाइयां लेते हैं, दोज आर हॉर्मोन्स राइट। तो वो क्या करती हैं, इरेगुलर्स, बेसिकली हॉर्मोन्स बनाए गए हैं इरेगुलर साइकिल को रेगुलराइज करने के लिए, लेकिन ये एक रेगुलर होने वाले साइकिल को इरेगुलर भी कर सकते हैं, बीच में भी साइकिल जो है वो पीरियड्स ला सकते हैं। ओव्यूलेशन का टाइमिंग भी लिटरली चेंज हो सकता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कई बार ऐसा भी होता है कि पीरियड अल्टरिंग मेडिकेशन के बाद आपको या तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। सो पीरियड अल्टरिंग मेडिकेशन जो होती हैं, दोज आर नॉट सो गुड। एंड द सवाल पैदा होता है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि अगर आप ये बोलते हो कि शुड आई टेक योर पीरियड्स को, क्या आपको कोई पीरियड्स को रेगुलराइज करने वाली मेडिसिन लेनी चाहिए। देखिए, अगर तो आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, अगर आप 15 साल के आसपास या मतलब यंग हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो ऐसे में इरेगुलर पीरियड्स बीच बीच में रेगुलरली अगर इरेगुलर हो रहे हैं, तब आप डॉक्टर से बात करके, वो आपको कुछ हार्मोनल पिल्स आती हैं, कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं, हार्मोनल पिल्स आती हैं, जिससे कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलराइज हो पाएंगे, तो आपके पीरियड्स जो हैं रेगुलरली आ जाएंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि इरेगुलर पीरियड को आप रेगुलर कर रहे हैं टू बाय गिविंग योर हॉर्मोन्स। सो इसका मतलब क्या कि आपके अंदर जो पहले से हॉर्मोनल बैलेंस था वो इरेगुलर था, सो इरेगुलर बैलेंस को रेगुलराइज की जा सकता है बाय हॉर्मोन्स राइट। सो इसमें हॉर्मोनल पिल्स यूज होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स टाइप यूज होती हैं, और उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उससे कई बार उल्टियाँ आ सकती हैं, वेट गेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मूड चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई फीमेल, कोई लड़की ऐसी है जो ब्लड ये भी लेती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, और साथ में स्मोकिंग भी करती है, तो उसके ब्लड क्लॉट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग और धूल मिट्टी, धुआं, पॉल्यूशन इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन विद बर्थ कंट्रोल पिल्स, बट स्टिल बर्थ कंट्रोल पिल्स आर हॉर्मोनल पिल्स आर एन इफेक्टिव वे टू रेगुलेट योर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल इज अ गुड वे। बट यहां पर जो आप अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पीरियड्स आपको डिले करने हैं या जल्दी ले आने हैं फॉर सम अदर रीजन, कोई इरेगुलर आपके पीरियड नहीं है, कोई इशू नहीं है आपको, लेकिन जस्ट कोई डेट के साथ मैच हो रहे हैं और मुझे भाई यार ये नहीं है, वो भी ये है, सो द इशू इज, अगर आप डिले करना चाह रहे हैं तो भी हॉर्मोन्स आते हैं, अगर आप अर्ली लाना चाह रहे हैं तो भी हॉर्मोन्स आते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स। नंबर वन, देर इज नो गारंटी कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा ही। डिले वाली बात तो गारंटी नहीं है, अर्ली होने वाली बात फिर भी हो सकती है, लेकिन अर्ली वाली चीज में भी कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ थोड़ी बहुत ही स्पॉटिंग हो और फिर दूसरे वाले वो भी जल्दी जल्दी आ जाए, वो इरेगुलर हो जाए, वो कुछ दिन लेट हो जाए, दैट कैन बी एनीथिंग, कैन बी पॉसिबल। प्लस बट
अगर आप एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फिल लेते हैं राइट, और कई बार ऐसा होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से डीले होने के चांसेस हो सकते हैं राइट. सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विल पिल्स डीले करने के अलावा, डीले मतलब पीरियड इस बार की जगह थोड़े दिनों बाद आएंगे, बट दैट इज ऑल्सो अ हॉर्मोनल पिल राइट. वॉट डू यू मीन बाय कंबाइंड ओरल हॉर्मोन, दो एक दो हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है राइट. सो यहाँ पर इशू क्या आ जाता है, खुद से तो आपको कभी भी ऐसी किसी प्रकार के रिस्क वाली चीज़ करनी ही नहीं चाहिए बिना गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में. तो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी पिल्स होती है, वरना चालू हो जाएंगे कोई ना कोई. मैं इतना बताऊंगा कि अगर आप प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स लेते हैं, तो नॉर्मली नॉर्मल आती हैं, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप लेते हैं देन यू कैन नॉट डीले योर पीरियड्स कि भाई हमने दो ले लिया तो पीरियड्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता राइट. सो कंबाइंड ओरल पिल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अदर इसमें दो तीन प्रकार के मेडिकेशन होता है जो डीले कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट अ गारंटी. यू नीड टू कंटैक्ट योर डॉक्टर फॉर एडवाइस जो भी आपको चाहते हो. और इन सब के साइड इफेक्ट्स मैं बता चुका हूँ आपको, लिटरली इसके वजह से, डबल पिल लेने की वजह से डिले करने के चक्कर में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग, डायरिया, फीलिंग सिक, वॉमिटिंग हो सकती है. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना है. बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो तो है ही राइट. सो टेकिंग कंबाइंड ओरल पिल इज और एनी काइंड ऑफ हॉर्मोनल मेडिसिन टू alter your menses is not recommended. ठीक है, so this is important aspect जो आपको समझना है कि medications should be taken, hormonal medicines should be taken very seriously and hormonal medicine should be taken only under guidance of a certified doctor. अगर आपका ओवर ले रहे हैं IPL type चीज़ें, IPL भी पता है आपको क्या है, IPL is also a hormone, अगर वो ओवर ले रहे हैं तो भी आपको पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, ब्रेस्ट पेन, टेंडरनेस, हेडेक, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो सकती है, गिडीनेस हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकते हैं राइट. सो अगर आपको कोई पीरियड प्रॉब्लम है, से यू आर हैविंग स्पॉटिंग हो रहा है बीच बीच में, कभी भी आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, या इरेगुलर पीरियड है, या फिर पीरियड हो ही नहीं रहे, देन यू नीड टू गेट टेस्टेड. Maybe you are pregnant, maybe you are not pregnant, maybe there is some cyst, maybe there is some other issues. So don't take things into your hand. कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून डॉक्टरों के पास, ये वाली बातचीत डॉक्टरों के पास होनी चाहिए. So consult your gynecologist for any kind of female problems, needs, and they would help you. Thank you so much. Please share this video with every female. गलत काम नहीं होना चाहिए. So please do that. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.